हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे 11th स्टैंडर्ड ऑनलाइन एडमिशन के FCFS फेस 3 राउंड के बारे में। इसका जो फुल शेड्यूल है वो आ चुका है, बहुत से बच्चे वेट कर रहे थे, बहुत कमेंट कर रहे थे। तो जिसका भी एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है और KT वाले बच्चे, सबका एडमिशन इसमें होने वाला है। इसको दो कैटेगरी है, याद रखिए, फर्स्ट कैटेगरी और सेकेंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में जो भी पास्ड स्टूडेंट है 35% के ऊपर, सारे फर्स्ट कैटेगरी में। सेकेंड कैटेगरी के अंदर सारे के सारे ATKT स्टूडेंट जो है वो शामिल किए गए हैं। तो आप पहले डिसाइड कीजिए कि अगर आप पास हैं मार्च या तो जुलाई मिला के, तो वो आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं। अगर आपको अभी भी एक या दो सब्जेक्ट में ATKT है तो आप सेकेंड कैटेगरी में। अगर आप दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो आप 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन नहीं ले सकते। सबसे पहले जो डेट आई है 23 सितंबर, यानी 23 सितंबर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में, जो भी बच्चे जो है अपने कॉलेज कैंसिल करना चाहते हैं वो उस कॉलेज में जाकर जहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया है अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। और दिस इज़ द लास्ट चांस गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन कैंसिलेशन। ये आखिरी राउंड है, आखिरी चांस, इसके बाद फिर कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो आप जाके एडमिशन अपना 23 सितंबर को कैंसिल कर सकते हैं, सुबह 10 से 5 के बीच में। अब होगा क्या, 23 तारीख से 26 तारीख के बीच में जिन्होंने अभी तक बुक भी नहीं खरीदा था ऑनलाइन बुक, ऐसे बच्चे भी जो है ऑनलाइन बुक खरीद के रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, पार्ट वन भर पाएंगे। उनको अप्रूवल करना है। पार्ट वन भरने के बाद सारे के सारे बच्चे जो भी है, सब लोग जिसका एडमिशन नहीं हुआ, सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं 23 से 26 के बीच में। और इसी दौरान जो है, जो कॉलेज वाले जो हैं उनकी जो सीट बची हुई है सब सरेंडर करेंगे। और 26 तारीख को, 26 सितंबर को शाम को 6 बजे के बाद, परफेक्ट 6 बजे नहीं, 6 बजे के बाद शाम के 7, 8, 9 कभी भी आएगा, वैकेंसी लिस्ट जारी होगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको जो भी कॉलेज चाहिए उस कॉलेज में कितनी सीट बची है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग आगे जाएंगे। अब 27 तारीख को क्या होगा कि जो फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, FCFS पैनल जो है उनके लिए एक्टिव हो जाएगा, फर्स्ट कैटेगरी वाले जो 35% के ऊपर वाले स्टूडेंट हैं, और वही लोग जो है इसमें कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे। सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा, 10 बजे से कॉलेज की सीट्स भरनी शुरू हो जाएगी। जितने जल्दी जो पहले कॉलेज सेलेक्ट करेगा वो कॉलेज उसका हो जाएगा। आप लेट अगर करते हैं तो वो कॉलेज जो है उनकी सीट जो है खाली हो सकती है, यानी कि वो सीट फुल हो सकती है, वो सीट आपको नहीं मिल सकती। इसलिए आप कोशिश करो 10 बजे ही आपको सीट बुकिंग करनी है 27 तारीख को, फर्स्ट कैटेगरी वाले, ध्यान रखें 27 तारीख को फर्स्ट कैटेगरी वाले। और उसके बाद जो है 27 से 28 तारीख, ये 2 दिन में जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है आपने, जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया होगा फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट ने। ये भी याद रखें कि जो 27 सितंबर है उसमें 27 और 28 तारीख को 11 बजे से 5 बजे के बीच में ही जाके एडमिशन लेना है। इसके बाद वापस से 28 तारीख को जो है शाम को 7 बजे के बाद वैकेंसी लिस्ट आएगी सेकेंड कैटेगरी यानी ATKT वाले बच्चों के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स देखो, 30 सितंबर को जो है जो FCFS पैनल है वो ATKT वाले बच्चों के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। और जो बच्चे जो पास भी हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं ले पाए थे, वो भी बच्चे यहाँ पर कॉलेज से लेकर पाएंगे। और 30 तारीख और 1 तारीख, इन 2 तारीख के बीच में आपको 5 बजे के पहले जाना है कॉलेज में और एडमिशन ले लेना है आपने जिस कॉलेज में को सेलेक्ट किया है। इसके बाद जो है 1 अक्टूबर को ओवरऑल वैकेंसी वापस से डिस्प्ले होगी, लेकिन इसको आप लास्ट राउंड समझिए। इसके बाद फिर से कोई राउंड आने की चांस नहीं है। जो पास स्टूडेंट है वो 27 तारीख को जो है अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। अगर फिर भी वो कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो वो स्टूडेंट जो है 30 सितंबर, यहाँ जो दिया हुआ है 30 सितंबर को ATKT वाले सारे बच्चे और जो भी बच्चे रह गएंगे वो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। 30 और 1 अक्टूबर को जाके वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो ये हो गया न्यू राउंड, लास्ट चांस है, जीवनदान है स्टूडेंट्स। इसके बाद कोई राउंड नहीं आएगा। आप लोग इस राउंड के जरिए अपना एडमिशन कर लो। जिसका भी एडमिशन नहीं हुआ है, जो कैंसिल करना चाहते थे वो लोग 23 तारीख 1 दिन मिला है, तो सुबह 10 से शाम के 5 बजे के बीच में जाके अपना कॉलेज कैंसिल करा सकते हैं। एक याद रखो, कॉलेज में जाने के बाद ऑनलाइन रूप से कॉलेज का सीट जो है कैंसिल होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का एडमिशन हो जाए अच्छे तरह से और आप सभी को कॉलेज में, आपके जो मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिले। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।